हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है टेक पुसाल चैनल पर। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमटीडीबी मूवी डाटाबेस की वेबसाइट की ट्यूटोरियल वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट है जिसको हम बनाने वाले हैं आज से, तो इसका इंस्टॉलेशन आज हम करेंगे। सबसे पहले आप जाइए अपने सी पैनल पे और वहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें अपलोड करना है स्क्रिप्ट को, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये वेबसाइट वाली ये जिप फाइल है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर स्क्रिप्ट है जिसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड में जाके सिलेक्ट फाइल, तो इस फोल्डर को हम अपलोड करने वाले हैं। ये जिप में है दोस्तों, इसको हम अपलोड करने के बाद अनजिप करेंगे। तो हमारा अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं ताकि वो फोल्डर हमें शो हो। यहाँ पे है वेबसाइट .zip, तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है पब्लिक HTML के अंदर। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों, तो हमारा जो अनजिपिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट .zip अब इसका कोई काम नहीं है, तो स्किप कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। अब एक बार यहाँ पे रीलोड करना है फिर से। तो अब हम उस फोल्डर को सर्च करेंगे, देखिए वेबसाइट। तो अब हम एक बार वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याजा मार्ट मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर रखा है, वेबसाइट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे वेबसाइट टाइप करूंगा, आप डायरेक्ट पब्लिक HTML के अंदर इसको अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे MTDB का स्क्रिप्ट लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे फुली डिटेल में नहीं बताऊंगा कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है प्लेट्यूब स्क्रिप्ट के अंदर। मैंने फुल डिटेल में बताया है कि कैसे डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिविलेज यूजर एड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे प्रिविलेज यूजर में MTDB को एड कर देता हूँ। यहाँ पे प्याजा मार्ट 2, तो ये मेरा यूजर होगा। तो अब हम इसको यहाँ पे ऑल प्रिविलेज कर देते है और यहाँ पे मैक चेंजेस कर देते हैं। तो हमारा काम खत्म हो चुका है डाटाबेस का। तो इसको हम सेटअप करने वाले हैं अपने वेबसाइट में, कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे सब ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू। यहाँ पे भी सब ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम डाटाबेस को रखेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये pyazamart.mtdb, तो इसको हम यहाँ पे लगाने वाले है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे तो इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे लोकल होस्ट रहने देना है, यहाँ पे हमें रखना है प्रिविलेज यूजर, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड रखना है, जो भी हमारा प्रिविलेज यूजर का पासवर्ड है उसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड गलत हो गया है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे प्रेस कर, देखिए अब सही हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये एडमिन अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड की जगह है, तो आपको इस जो भी ईमेल यहाँ पे यूज करेंगे उसको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसी ईमेल और इसी पासवर्ड से हम लॉगिन होंगे अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे ईमेल, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म है, उसी पासवर्ड को रख देना है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। अब हमारा प्रोसेस जो है खत्म होने वाला है दोस्तों। देखिए, ये वाली लिंक जो है यूजर के लिए है और ये वाली लिंक एडमिन के लिए है दोस्तों। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले हमने इसी जीमेल से क्रिएट किया था और इसी पासवर्ड को हमने लगाया था वहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको यूजर पैनल भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से करना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम TNDB की API जनरेट करके लगाएंगे और इसमें डाटा को इंपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।